हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सैफ। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 173 का पहला पार्ट। आपको पता है कि पिछले पार्ट में जैसे भीष्मा जी जाके अपना माता जी से मिले तो उनको एक अच्छी एडवाइस वहाँ से मिली थी, लेकिन आगे अब पंचाली ने भी बताया है सब पांडव भाइयों को, तो पुत्र को भाई, तो वो अब देखते हैं भाई आगे। और अब देखते हैं पंचाली पुत्र ने नहीं बताया भाई पांडव, थोड़ा सा जल्दी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। हाय, ये किधर है? यहाँ हमें सफलता मिलेगी मामा श्री। फिर किसी सफलता का चाल इकट्ठे कर रहे हैं। अवश्य मेरे बच्चे, ओ रक्त के बंधन से आंसुओं के बंधन अधिक दृढ़ होते हैं। अपने आंसुओं से बांध लो, आंसू बहेंगे इन्हें। ये मुख देखो मामा श्री, पिछली बार यहाँ आए थे कितना अपमान हुआ था हमारा। अब लाभ किस प्रकार होगा? परिस्थितियों को बलराम के पास आए अपने। अच्छा, अनुकूल हाँ, भी उस वक्त यहाँ पे अपनाम हुआ था ना? किया यार, पता नहीं है। तो जरासंत के पास, जरासंत तो मर गया, शत्रु प्रतिकूल बना दो। दूसरे की स्थिति बिगड़ती है तो उसका लाभ। शकुनी बड़ी को चाल है, बहुत में आवाज है। किंतु मामा श्री, ये किस प्रकार होगा भाई? इसको तो डालकर इन्होंने महाभारत सामने देखो। राजपुरुष एक तरह कौन कौन है? ये कौन है? ये यादव युद्ध में जिस पक्ष में होंगे, अच्छा उस पक्ष का पलड़ा भारी होगा। पांडव पुत्र के पास की तरफ कर दो। वासुदेव कृष्ण लोज में। अच्छा, बंद गैस किया साथ है, ये मैं जानता हूं। किंतु महामहिम बलराम, तुम्हें अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते हैं। कब से सुभद्रा के साथ तुम्हारा विवाह कराने की इनकी दृढ़ इच्छा थी। इच्छा समय जो अपमान हुआ है मेरे बच्चे, देखो देखो अब उसके आंसू आज बहाओ। अच्छा जी, इमोशनल करेंगे। अच्छा, ये कृष्णा जी आए, कृष्णा जी और बलराम, महामहिम बलराम अवश्य हमारे पक्ष में मेरे बच्चे। हमें वासुदेव कृष्ण को अपने पक्ष में करना होगा। अपने ज्येष्ठ पहले पहुंच गए, कभी खड़े नहीं होंगे। और ये बलराम हमारे साथ खड़े होंगे तो पांडव जीवन भर प्रयत्न करेंगे। देखो, बुद्धि चेक करो, बुद्धि की आग
बुझा नहीं पाएंगे मेरे बच्चे, समझो इस चीज को। उनकी चिता की आग बन जाएगी और हमें जीप डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो अब तो भाई सूख गया सब कुछ, गला सूख गया, मूर्ख रोना है मूर्ख। वही तो समझाया है अब तक। कृष्णा जी हैं काफी दिन बाद। आगे भी कृष्णा जी खड़े हैं। कल्याण हो प्रिय दुर्योधन, समग्र आर्यावर्त में तुम्हारी चर्चा हो रही है। हां जी, परंतु मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता होती यदि यह चर्चा गदा युद्ध में तुम्हारे कौशल के कारण होती। हाँ। अच्छा जवाब दिया। प्रणाम गांधार राज। श्रीमान बलराम, स्वागत है। वासुदेव, हम चाहते हैं कि वो ना रहे। आओ कृष्णा जी, अब साथ साथ चल रहे हैं। अब प्रश्न देंगे। आपने मेरे बच्चे दुर्योधन को बहुत कुछ दिया महाबली श्री बलराम। युद्ध कला की सम्मान दिया, प्रेम दिया, किंतु हंस रहे हैं इधर से, सुख और संतोष पाने का मार्ग नहीं सिखाया। मुक्ति दे दो इसको, सुख मिल जाएगा। बस वही प्राप्त करने हम द्वारका है। अच्छा। दुख और संतोष कोई स्थान नहीं मामाश्री, जहां पहुंचा जा सके। सुनिए अब थोड़ा सा, वो दोनों तो स्वयं मार्ग है। सुख का मार्ग संघर्ष की ओर लेकर जाता है और संतोष का मार्ग शांति की ओर। सुने आप, उन्हीं का तोड़ आगे है, अंदर ही अंदर जलेगा। युवराज कहाँ पहुंचने की इच्छा रखते? बताइए, बात बताओ। पॉइंट क्या हो रहा है? ये द्वारका की नारायणी सेना है मामाश्री। समुद्र तट पर चक्रव्यूह निर्मित कर रही, चक्रव्यूह बना रहे। निकलो आप इधर से। ना ना ना, इस समय आप चक्रव्यूह के ठीक मध्य में बंदी हो गए। चक्रव्यूह चेक करें कृष्णा जी के पास। क्या हो गया यार? व्हाट अ सरप्राइज यार। पर क्यों वासुदेव? क्यों तो मित्रता की आशा से आए हैं? हंस रहे हैं कृष्णा जी। नहीं आए? भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री। भय से आए, भय से। किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं।
ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। बालक एक बालक तोड़ने का खेल खेल रहा है। ये बालक कौन है? अर्जुन तथा सुभद्रा का पुत्र है मामा श्री। यार क्या सरप्राइज है अर्जुन के लिए भी। भाई हमारी तो नींदे गुल कर। ये चक्र भी तोड़ेगा भाई अर्जुन का पुत्र। और वाटा सरप्राइज अभी शक्ल नहीं देखी। अच्छा हमने शक्ल अभी नहीं देखी। और हम वो बात अब याद मुझे आ गई जब कृष्णा जी ने बोला था कि ये द्वारका में जाकर अपना ना इसको मैं बनाऊंगा योद्धा। अच्छा। याद है जब जा अभी बनायो। यार क्या याद आया है। कृष्णा जी ने उसका नाम भी उधर वहां पे डिसाइड कर दिया था। एक बात ये नाम है जो मेरे ज़हन से कभी नहीं उतरा जब कृष्णा जी ने बोला था ना कि मैं उसका नाम ये रखूंगा। यार आप बातें छोड़ें आप शकुनी की बुद्धि देखें। जैसे बंदा बुद्धि अंधी नहीं हो जाती कि वो कीड़े पड़ गए बलराम को अपनी साइड पर मतलब के करेंगे और अगेन करेंगे कृष्णा जी के खिलाफ करेंगे। कृष्णा जी बोलेंगे नहीं खिलाफ का नहीं सोच रहे। वो कह रहे कि अगर बलराम हमारे साथ आ जाता है ना तो भाई यही बात होगी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे साथ नहीं वो सामने खड़े नहीं होंगे और हम हट जाएंगे। लेकिन जो बात कृष्णा जी बोलते हैं वो समझ लें कि वो भाई बलराम जी बोल रहे हैं। हाँ। और कभी भी बलराम जी कृष्णा जी प्लानिंग कर के आके बातें कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि देखो इनकी बातें सुनो ये क्या पहले ही पता था कि ये क्या करने आ रहे हैं भाई। अक्सर कृष्णा जी आगे खड़े हैं फिर उनका तोड़ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मैं बोलता हूँ दुनिया में। लेकिन अब देखो ना दुर्योधन दुर्योधन ने कैसे एक पैरों पर गया आशीर्वाद लिया कि वो तीनों सेंट बांध रहा था। लेकिन बात इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी जो उसने अभी फील नहीं की कि उन्होंने बोला काश हम गदा में आपका नाम सुनते कि आपकी आर्यावर्त में वो चल रही है। लेकिन आपकी तो भाई चर्चा हो रही है अधर्म है अधर्मी की। लेकिन बात वहां पे अटकी है नई एंट्री हुई है भाई क्या बहुत ज्यादा खुशी हुई। अर्जुन देख के कितना खुश होगा अपने कितना बेटे को। लेकिन ये चक्र आप देखो वो कह रहे हैं कि ये तो रिहर्सल कर रहा है वो उसको तोड़ने के लिए हमारा वो काबर गए थे कि यार क्या इन्होंने गियर मामा शकुनी ने अदर पता नहीं क्या क्या देखना। खैर अगला पार्ट बहुत ही भाई मजेदार होने वाला है। देखते हैं भाई वो कैसे चक्र भी तोड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय टेक।